ये है एपिसोड 2, ये जानने का कि मैंने माइनक्राफ्ट पर 2 सालों के लिए क्विट कर दिया था, पर क्या इन 2 सालों में मेरी स्किल्स कम हो गई या वैसी की वैसी ही है। लेट्स फाइंड आउट। मैंने अपने वर्ल्ड में पाली गाइस, घर को देख के मुझे बहुत फील होता है, शायद चलो इस घर को ढंग से बनाए। मैं ढूंढता हूँ पढ़ाई से बचने का बहाना, जिस वजह से पड़ता है मुझे मार खाना, और मेरा लक्ष्य होने वाला है इस घर को बनाना। ए, ये इतनी कचरी शायरी कौन कर रहे हैं? ओ सॉरी गाइस, मुझे इस घर पे फोकस करना चाहिए, चलो इसको ठीक से बनाते हैं। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। गाइज मैं आज आपको फेयर एंड लवली का यूज करके दिखाऊंगा। ये देखो इस साइड फेयर एंड लवली लगाई थी इसलिए ठीक हो गया, अरे इसको ठीक करना पड़ेगा यार, चलो इसको ठीक करते हैं। लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। हबीबी, इस घर को बनाते बनाते छा गई गरीबी, इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी शर्म नहीं आती। घर हो गया डन, और अब हम करेंगे होम टूर बिगिन। रूम नंबर 1, यहाँ पर मजदूर हम अपना सामान रखते। वैसे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट माइनस में चल रहा है, जिस वजह से पुलिस उठा के ले गई। रूम नंबर 2 में हमने बहुत कलर्स डाले, ये देखिए प्लैंक्स ही प्लैंक्स, कितने सारे कलर्स हैं। चलो अब ऊपर चलते हैं। पत्थर चुभाने के लिए हमने पत्थर की सीढ़ियां लगा दी यहाँ पर। अगर मुझे मित्र टॉर्चर के बाद ना मारे तो यहाँ पर हमने सुसाइड रूम भी बनाया था कि वो खुद से कूद के यहाँ से मर जाए। नाउ मेरा फेवरेट, यहाँ से मुझे बाहर की दुनिया देख के जल सकते हैं कि यहाँ बाहर के लोग कितने खुश हैं। ये देखिए इतने साफ बादल देख के उन्हें लगेगा कि हमने तो बारिश ही नसीब नहीं करी, इन्हें आंसू पीने को मिलते हैं अपने ही और कुछ नहीं। तो ये है मेरी प्यारी जेल, आई मीन मेरा घर। तो चलो अब चलते हैं माइनिंग पे। डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट खा लो, मन में टेंशन हो सभी निकालो। वैसे सिंगर तो बन नहीं सकता यार गाइस, मैं इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। मैं तो बुढ़ा ही हो गया, ये डीप स्लेट इतना सख्त क्यों है गाइस? मैं बुढ़ा हो गया फिर भी मेरे 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए 100 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराओ। ओए यहां पर सुरंग निकली, खुफिया रास्ता। ओए होए रिसोर्सेज की खुदान मिल गई, और अब ज़ॉम्बीज की टेंशन तो मैं कभी लूंगा नहीं, क्योंकि यार उन्हें मारना तो बच्चों का खेल है, वो मेरे क्या ही हार्ट काम करेंगे, एक भी हार्ट नहीं कम कर पाएंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, कैसे बताऊं, मैं छोटी नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो गई गाइस, मेरे सिर्फ 2-1 हार्ट बचा हुआ, मैंने नोटिस नहीं किया। ओ यहां से डायमंड्स भी दिख रहे हैं, डायमंड्स के बाद में स्केलेटन भी दिख रहे हैं। एक काम करता हूं, यहां पर खुद को कवर कर लेता हूं, फिर नहीं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और तब इन्हें मारूंगा। तुम लोग जानते ही क्या हो मेरे मेरे डायमंड रिश्ते के बारे में, मैं अपने डायमंड को लेकर आऊंगा, सबको मार दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? 27 अक्टूबर से रात 9:30 बजे। मेरे डायमंड, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ आखिरकार, अब तुम मेरे हो जाओगे। अरे एक ही डायमंड था गाइस, अरे एक और है, चलो देखते कितने हो गए टोटल। और 2 डायमंड, कोई नहीं अभी और भी ढूंढते हैं। चलो गाइस चलते हैं आगे की ओर। सेफ्टी फर्स्ट, मैं जा रहा हूँ इस डायमंड को सेफ रखने अपनी चेस्ट में। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सूरज दादा, आज मेरे को 2 डायमंड मिले तो मैं क्या करूँ, सब्सक्राइबर्स तो तेरे कम ही है ना। अबे यार अब सूरज दादा भी आप भी शुरू हो गए यार गाइस, अब सब्सक्राइब कर दो वरना मैं सबकी बोलती बंद कैसे करूंगा। मैं जा रहा हूँ प्यारे डायमंड के पास, तो चलो चलते हैं। टॉर्चेस हो गई हैं खत्म, पर मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है, ये देखो गाइस लावा डालूंगा तो पूरी लाइट हो जाएगी, इसको वापस उठा लेता हूँ और इसी तरीके से मैं बढ़ूंगा आगे। मेरे ट्रिक्स को कोई मर भी नहीं सकता यार, मेरी प्रोफेशनल ट्रिक्स को फॉलो करोगे ना तो गाइस आप भी प्रो बन जाओगे एक दिन। यू नो मेरे से सीख रहा, ये किसने किया, मैं मरने वाला हूँ गाइस, कोई नहीं मैं बनता हूँ, बचाओ नहीं बचा। अरे आराम से चलते हैं, जल्दी जल्दी चलो यार, ये लेट क्यों चल रहा है मेरे प्लेयर, अभी मेरा सामान तो यहीं पर। एक सेकंड, ये क्या है बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत रुक, शेड लगा के अब मारता हूँ गाइस इसको, ये मेरी क्या ही बिगाड़ लेगा। हाँ बच्चे तू तो गया भाई, तू गया, अभी पापा को बुलाता हूँ, तेरे को तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अभी ये तो सच में पापा को बुला के ले आए, ए अंकल जी ने हम पेल दिया। चलो कोई नहीं गाइस वापस चलते, इस बार अंकल को भी बताएंगे। गाइस वो ज़ॉम्बी का बच्चा क्रीपर से फट गया, मेरा आर्मर पहन के बैठा था। फिलहाल मैं इस केव से जा रहा हूँ, डरा नहीं हूँ केव वालों, वापस जरूर आऊंगा, पर अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी केव को कलेक्ट करने, यानी कि गाइस मेरी बस की नहीं है केव, सच बताऊँ तो अभी मैं दूसरी केव में जा रहा हूँ। सूरज दादा मैं पहली केव में मर गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दूसरी केव में विजय प्राप्त करूँ। अबे नो बड़े तू फिर मर गया हो, मैं चल कोई नहीं तेरे को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इस बार डायमंड ढूंढ के लाइयो। सूरज दादा अरे यार ये तो चली गए, डायमंड की जगह डायमंड बोल देते तो क्या हो जाता। या गाइस मुझे मिल चुकी है केव, और इस केव को मैंने पहले भी दिखा, कैमरे मेरा प्लैंक है MLG स्किल्स, ये देखो अभी दिखाता हूँ, बूम। यार गाइस तुम्हें क्या लग रहा है, ये स्मार्टी पावर ड्रीम को किसने सिखाया, किसने, मैंने, चल नीचे चलते हैं यहाँ से। ये गाइस देखा, ये स्मार्टी पावर ड्रीम को भी एक बार मैं ट्रेनिंग देता था, वो तो मैंने छोड़ दिया यार खेलना, वरना तो मैं अखंड पीरो था। यहाँ से मुझे कोल भी दिख रहा है, चलो गाइस यहाँ से रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू करते हैं।
अब इस केव में इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों स्पॉन हो रहे हैं? जल्दी मर जा मर जा। अबे मैं मर गया, सभी रिसोर्सेज हेयर, मुझे नहीं है फेयर। गाइस मेरा सामान मिल गया है, चलो हम पहलते हैं। भाई मेरा आर्मर नहीं मिल, एक सेकंड। नहीं गाइस ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शिट मैं मर सकता हूँ गाइस, अब तो अब क्या होगा। तेरे पुराने बच्चे ने मुझे बहुत मारा और ये तो एक हिट का था गाइस, मर गया। चलो जल्दी आर्मर पहनते हैं, स्केलेटन को बताते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसके में काफी ज्यादा अंदर, और यहाँ पर थोड़ा आयरन भी दिख रहा है, आयरन भी माइन करेंगे बहुत सारा और डायमंड्स भी लाएंगे। अबे मुझे बहुत टाइम हो गया यार, इसकी चिड़ मच रही है। एक तो डायमंड्स दिख रहे हैं, एक सेकंड मजा आ गया। ये स्केलेटन तू तो मेरे इसको पहले चटकाना पड़ेगा गाइस, इसको थोड़ा स्वाद चखाते हैं स्वाद का। डायमंड बिस्किट यस गाइस, डायमंड मिल चुके हैं आखिरकार। अरे एक डायमंड और तो होने चाहिए यार यहाँ पर। खैर छोड़ो यार, यहाँ पर तो है कम से कम एक डायमंड। अबे पिकैक्स भी टूट गई, मेरे पास वुड भी नहीं बचा, मेरे पास ऊपर जाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। चलो आगे चल के देखता हूँ माइनशाफ्ट मिल जाए। माइनशाफ्ट तो नहीं मिली, पर मेरा टारगेट है सूरज दादा को देखना, उन्हें अपनी कम से कम वो कांग्रेचुलेशंस तो लूं से। अबे ये क्या मजाक हो गया, सूरज दादा तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर तो चंद्रमा है। एक काम करता हूँ गाइस, मुझे अपने घर जाके सोना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी रुकावटें मेरे सामने आई मैं सबको एक एक, अरे शॉट टूट गई ऐसे भागना पड़ेगा। हाँ उसकी बाद जितनी भी रुकावटें आई मैं उनसे बच के भागने लगा। पहले तो काट के भाग रहा था और फिर मुझे अपना घर भी दिख जाता है, और पर मैं वहाँ तक जाने में आलस कर रहा था। तो मैं एक ट्रिक निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ अपनी इन्वेंट्री से द लेजेंडरी एंडरमैन को मारी हुई एंडर पर्ल, और सीधा वहाँ पर फेंक के मैं पहुंच जाऊंगा घर। और जैसे ही मैं वहाँ पर फेंकता हूँ एंडर पर्ल को, मुझे पड़ जाता है बहुत सारा डैमेज। आई डैमेज पड़ गया, कोई नहीं गाइस अब सो जाते हैं। सुबह उठते मैंने बनाया डायमंड पिकैक्स, ये गाइस मजा आ गया, अपनी तो कुल्हाड़ी बन गई। और हाँ गाइस मुझे एक और चीज समझ आ गई है, मुझे अपने इस आर्मर की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब ये मेरे से दूर चले गए, दुश्मन के पास चले गया था, तब कितना नुकसान हुआ। फट बेकार आर्मर है गाइस, दुश्मन के पास गया, इसको मैं जला दूंगा, सच में थोड़ी करूंगा कदर तेरी। अब मेरे को गाइस नया आर्मर बनाना है। मैंने काफी सारा चारा उगाया, फिर उस चारे को भेड़ों को खिलाया, फिर अपनी गाय के लिए बैल लाया। देन मैं जैसे ही घर गया मुझे एक बहुत अजीब सी चीज दिखी, वो है ये एक ऐसे लड़की की कहानी जो फंस गया एक ऐसे डेथ गेम में जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। क्या आप वो वीडियो देखना चाहते हैं? तो उसके लिए यहां पर क्लिक करें।